हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टडी पर। तो दोस्तों, आपका पशु परीक्षा का पेपर जो कि 10वीं लेवल का आने वाला है दोस्तों। हाँ दोस्तों, राजस्थान में जो हाँ, तो पेपर का स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब की गई थी? 1919-20 को। हाँ दोस्तों, 100+ क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। 1919-20 को, 1920, 1922, 1915 से 1916, 1922 से 1924। हाँ दोस्तों, तो राइट आंसर आपका बताइएगा। हाँ आप सभी कमेंट करें। हाँ, क्या रहने वाला है दोस्तों आपका आंसर? 1919 से 1920 का आपका आंसर होने वाला है। तो दोस्तों, ए को लॉक कर दीजिएगा दोस्तों। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, ए तो आपका ए कमेंट राइट आंसर हो जाएगा। ए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? हाँ कमेंट करिएगा सभी आप। नीलोर, मारवाड़ी, जैसलमेरी या चोगला, सबसे ऊँची नस्ल कौन सी है भेड़ की? सबसे ऊँची नस्ल कौन सी है? हाँ जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, हाँ 100+ इस क्लास में क्वेश्चन रहने वाले हैं। हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पशु परीक्षक एग्जाम से रिलेटेड दोस्तों। तो ये मेरा 6ठा मॉडल पड़ेगा दोस्तों आपका। तो राइट आंसर नीरोल, जो कि ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा आपका, भेड़ की सबसे उच्च नस्ल है ए, नीरोल हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर आपका। चलते हैं, चोकला भारत की मेरिनो कहा जाता है। चोकला जिसे भारत का मेरिनो कहा जाता है, ये सबसे हाँ ये ऊन सर्वाधिक देती है, ये ऊन सर्वाधिक देती है। हाँ दोस्तों, ये चोकला सर्वाधिक ऊन प्रदान करती है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ष 2019 में कौन सी पशु गणना की गई थी? 19वीं, 18वीं, 21वीं या 20वीं? हाँ दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा आप सभी। हाँ 19, 18, 21, 20, हाँ सभी लोग कमेंट करें। हाँ तो राइट आंसर आपका 18, 20। हाँ तो जल्दी जल्दी बताइएगा, 1919-1920 के समथिंग हुई थी। हाँ हाँ जल्दी जल्दी बताएगा सभी दोस्तों आप। हाँ इसलिए अब हाँ आप जल्दी जल्दी कमेंट करें। हाँ जल्दी, हाँ काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं ए ऑप्शन। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 20। कब हुई थी पशु गणना? 20 में हुई थी। कब हुई थी? 1919-1920 से। तो हाँ दोस्तों, हाँ 3 बार जनगणना हो चुकी है दोस्तों। 6 साल में 1 बार जनगणना की जाती है दोस्तों। 1919-1920 के समथिंग हुई थी दोस्तों एक। हाँ ये 1919 की बात कर रहा है दोस्तों लास्ट। हाँ बस 2019। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 20। हाँ कब हुई थी 20वीं पशु गणना की गई थी दोस्तों? हाँ 5 साल में 1 बार जनगणना होती है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाय का गर्भकाल होता है? हाँ आप जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी लोग। 320 दिन, 340 दिन, 280 दिन, 240 दिन। हाँ गाय का गर्भदान होता है। हाँ जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा दोस्तों। हाँ गाय का गर्भदान कब होता है? हाँ कितने दिन लगते हैं? हाँ जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। हाँ काफ़ी लोग कमेंट करें ऑप्शन नंबर सी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, इन 280 दिन होते हैं। तो सी को लॉक कर दीजिएगा आप सभी। हाँ काफ़ी लोग बी भी ऑप्शन कर रहे थे, ये 385, 380 की, 280 के समथिंग। हाँ ये भी कभी कभी हो जाता है दोस्तों। हाँ गाय का गर्भधान काल कितना होगा? 280 दिन का होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। हाँ दोस्तों सभी, आप सभी कमेंट करते रहिए। हाँ ये वेरी वेरी मॉडल पेपर में से आपके आपके लिए छाट कर। हाँ दोस्तों आपकी एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। 2 दिसंबर को आपकी पशु परीक्षा की एग्ज़ाम है दोस्तों। गाय की कौन सी नस्ल का दूध सबसे मीठा होता है? हाँ गाय की कौन सी नस्ल है जिसका दूध सबसे दधुल कहा रहा है दूध सबसे मीठा होता है? साहिवाल, कांकरेरे, नागौरी, होलिकर। हाँ आप सभी जल्दी जल्दी कमेंट करेगा। हाँ ए आंसर आपका सभी का आ रहा है, राइट आंसर हो जाएगा साहिवाल। हाँ आप सभी का सही वाला आंसर होने वाला है दोस्तों। आपने सभी ने लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले दोस्तों। चलते हैं, राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना कब हुई? 1975, 1965, 1990, 1980। हाँ आप जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा दोस्तों। हाँ 1925, 1965, 1990, 1980। हाँ जल्दी जल्दी आप सभी कमेंट करते रहिए। हाँ काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है। हाँ आप सभी करते रहिए। मैं आशा करता हूँ आपकी क्लास समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो
तो राइट आंसर आपका 1965 हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हाँ 1965 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी बी को लॉक कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। हाँ अभी आप सभी को मैंने बताया था, हाँ भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसको राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, हाँ जो कि सर्वाधिक ऊन प्रदान करती है। हाँ सबसे ऊंची नस्ल तो न्यूरोल हो जाएगी। हाँ तो हाँ दोस्तों तो राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर मारवाड़ी, अभिवस्त्र, चोखला या फिर मालपुरा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी चोखला, सी को लॉक कर दीजिएगा। हाँ चोखला आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की मेरिनो और राजस्थान की मेरिनो के नाम से जाना जाता है इसको, इस नस्ल को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस पशु के दूध का मावा उत्तम किस्म का होता है। भेड़, भैंस, बकरी, गाय। हाँ किस पशु के दूध का मावा सबसे उत्तम किस्म का होता है दोस्तों। हाँ भेड़, भैंस, बकरी, गाय। तो राइट आंसर आप सभी में से कोई भी दो दोस्तों, हाँ जल्दी जल्दी कमेंट करेगा। हाँ हाँ दोस्तों बताइएगा, कमेंट करे शेखावाटी क्षेत्र में जो कि चूरू, सीकर, झुंझुनू क्षेत्र में आते हैं दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र। हाँ सबसे उत्तम मावा किस्म का होता है, किस्म का होता है सबसे उत्तम मावा, दूध का मावा सबसे उत्तम किस्म का कौन सा होता है दोस्तों। हाँ भेड़ का, सॉरी भैंस का। हाँ तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भैंस। हाँ बी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा, काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था आप सभी में से भैंस। तो राइट आंसर आपका भैंस हो जाएगा। हाँ गाँवों में सबसे ज़्यादा भैंसों को लेन देन करते हैं दोस्तों, सर्वाधिक सबसे उत्तम मामा भैंस का दिखा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसवंत पशु मेला किस जिले में लगता है। हाँ जसवंत पशु मेला किस जिले में लगता है, बाड़मेर, नागौर, भरतपुर, झालावाड़। हाँ जल्दी जल्दी कमेंट करेगा आप सभी, हाँ सभी आप सभी से निवेदन, हाँ आप सभी कमेंट करेगा। हाँ दोस्तों सभी, हाँ तो काफ़ी लोग कमेंट आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है दोस्तों। हाँ तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप सभी में कोई कमेंट करके बताइएगा। हाँ जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। हाँ दोस्तों जसवंत पशु मेला किस जिले में लगता है दोस्तों, नागौर, भरतपुर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भरतपुर, खापा लगता है जसवंत पशु मेला भरतपुर में, ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा दोस्तों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, हाँ इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी भरतपुर हो जाएगा दोस्तों, जसवंत पशु मेला। हाँ झालावाड़ यहाँ पर, हाँ ये भी यहाँ पर भी एक पशु मेला भरता है दोस्तों, गोमती पशु मेला, हाँ यहाँ पर झालावाड़ में भरता है, झालरापाथम चंद्रपुर भुजी मेला यहाँ भी, हाँ सॉरी चंद्रभागा मेला भी झालरापाटन झालावाड़ में भरता है दोस्तों। हाँ चंद्रभागा, सॉरी चंद्रभागा मेला कहाँ पर बताया, झालरापाटन झालावाड़ में भरता है। हाँ यह भी एक पशु मेला है दोस्तों झालरापाटन में। हाँ गोमती, हाँ गोमती पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला भी झालरापाटन झालावाड़ में भरता है दोस्तों। तीन पशु मेले हो रहे हैं, जसवंत पशु मेला जो कि भरतपुर में भरता है दोस्तों, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। हाँ हाँ झालावाड़ हो जाएगा गोमती पशु मेला। हाँ दोस्तों, हाँ हाँ दोस्तों आप सभी का, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, ये आ गया देखो, गोमती सागर पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है दोस्तों। हाँ अभी आपको बताया था झालरापाटन जो कि झालावाड़ में, परवर्सा जो कि नागौर में, झालावाड़ नागौर ना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हाँ आप सभी कमेंट करिए, परिवर्तन नहीं होगा, नागौर नहीं होगा क्योंकि परवर्सा नागौर के अंदर ही है। हाँ गोमती सागर पशु मेला कहाँ पर भरता है दोस्तों, झालरापाटन झालावाड़ में भरता है दोस्तों। तो झालरापाटन कहाँ पर है, झालावाड़ में है दोस्तों। तो इसका पशु मेला कहाँ पर भरता है दोस्तों, झालरापाटन झालावाड़ में। हाँ तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आप सभी का इसमें, हाँ राइट आंसर क्या होगा, राइट हाँ कमेंट करिए आप सभी। हाँ बिल्कुल, आप सभी का कमेंट आ रहा है दोस्तों, सही आ रहा है, आपके आपका कमेंट सही आ रहा है दोस्तों। हाँ हाँ मूल स्थानीय भाषा, हाँ मूल स्थान कहाँ पर है, झालरापाटन में, गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन, राइट आंसर ए सॉरी झालावाड़। हाँ मूल स्थान हो जाएगा झालावाड़ में, लेकिन झालरापाटन इसका गांव है दोस्तों, तो झालरापाटन झालावाड़ में हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा झालरापाटन। हाँ ए को लॉक कर दीजिएगा। हाँ काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में होंगे इसी ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि पहले झालरापाटन सॉरी झालावाड़ में है, इसलिए झालरापाटन आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है, अथीन की, घोड़े की, भैंस की या गाय की।
हाँ, सबसे लेट सबसे अधिक होती है किस जानवर की गर्भावधि? सबसे अधिक होती है दोस्तों, हाँ दोस्तों सबसे अधिक अथीन की होती है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अथीन, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था दोस्तों, सबसे अधिक गर्भावधि किसकी होती है? अथीन की होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। सबसे जल्दी मुर्गी की गर्भावधि सबसे जल्दी होती है दोस्तों। हाँ, अथीन की सबसे लेट होती है, सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है गर्भावधि अथीन की। हाँ दोस्तों, हाँ भैंस की 307 दिन होते हैं, 310 दिन होते हैं गर्भावधि के। हाँ, 305-310 के समथिंग होता है भैंस की गर्भावधि, 310-305 के समथिंग होता है दोस्तों। हाँ, भैंस की 310 गर्भावधि के दिन गर्भावधि हो जाती है। हाँ, काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है। 280 गाय की होती है, गाय के 280 दिन गाय के गर्भावधि होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। राज्य में पशुओं की कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती है? हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन से पशु ऐसे हैं जो कि सर्वाधिक पाए जाते हैं? भेड़, ऊन, बकरी या गाय? हाँ दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन से पाए जाते हैं? गाय, ऊन, बकरी। तो राइट आंसर हो जाएगा बकरी। सर्वाधिक कौन पाए जाते हैं? बकरी पाई जाती है दोस्तों, सर्वाधिक बकरी पाई जाती है। वैसे तो गाय भी पाई जाती है, ऊँट भी, भेड़ भी, लेकिन हमारे राजस्थान में बकरी सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों। बकरियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? आप सभी को पता होगा, वरुण गाँव की बकरियाँ जो कि नागौर में है, यहाँ की प्रसिद्ध है। बकरी कहाँ की प्रसिद्ध है? वरुण गाँव की, नागौर की बकरियाँ प्रसिद्ध है दोस्तों। हाँ, और ऊँट नाचना जैसलमेर की ऊँट प्रसिद्ध है दोस्तों। हाँ, बकरी कहाँ की प्रसिद्ध है? वरुण गाँव की, नागौर की बकरियाँ प्रसिद्ध है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? हाँ दोस्तों, कुक्कुट, अलवर, अजमेर, जयपुर, टोंक। आप सबको पता होगा कुक्कुट का तीखा पर है दोस्तों, अजमेर में है। अंडों की हवेली भी कहा जाता है, अंडों की नगरी अजमेर को कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अजमेर, तो बी को लॉक कर दीजिएगा। हाँ, काफ़ी लोगों का कमेंट आता है ऑप्शन नंबर बी, तो बी को लॉक कर दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय बकरी अनुसंधान स्थित है, हाँ, अविकानगर टोंक, विजयनगर भीलवाड़ा, रामसर अजमेर या राजनगर राजसमंद? हाँ, कमेंट करें दोस्तों सभी। सी लोगों का कमेंट आ रहा है दोस्तों, रामसर अजमेर, तो और अविकानगर टोंक, ए ऑप्शन भी आ रहा है, सी ऑप्शन भी आ रहा है दोस्तों आपका। हाँ, तो राइट आंसर क्या होएगा दोस्तों? हाँ, कमेंट करें, जल्दी कमेंट करिए आप सभी, जल्दी जल्दी करिए। हाँ, तो राइट आंसर, हाँ, भेड़ अनुसंधान केंद्र खापर है, अविकानगर में है। तो राइट आंसर आपका यह हो जाएगा, बकरी अनुसंधान केंद्र खापर है, रामसर में है, रामसर अजमेर में है दोस्तों। हाँ, बकरी अनुसंधान केंद्र खापर है, रामसर अजमेर में है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुअर के मांस को किस नाम से जाना जाता है? हाँ, सुअर के मांस को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? हाँ, मटन, वेनिसन, पोर्क या बीफ? हाँ, कमेंट करें दोस्तों जल्दी जल्दी, सुअर के मांस को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? हाँ, किसके? पोर्क के नाम से जाना जाता है दोस्तों। हाँ, पोर्क, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पोर्क के नाम से सुअर के मांस को जाना जाता है दोस्तों। राइट आंसर आपका हो जाएगा पोर्क। हाँ दोस्तों, पोर्क हो जाएगा आपका राइट आंसर। हाँ, पोर्क हो जाएगा। हाँ दोस्तों, आपके फॉर्म लगे हैं मिनिमम 17 लाख के समथिंग, आपके फॉर्म लगे हैं दोस्तों सीईटी के, सॉरी पशु परीक्षण सीईटी के एग्ज़ाम पूरी खत्म हो गई दोस्तों। अब पशु परीक्षण के अंदर 17 लाख प्लस फॉर्म लगे हैं दोस्तों, तो 10वीं लेवल के होंगे पूरे क्वेश्चन, 10वीं के लेवल के आएंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, भेड़ का मांस को मटन कहते हैं, हिरण के मांस को वेनिसन कहते हैं, और भैंस के मांस को बफन कहते हैं। हाँ दोस्तों, हाँ, जो सूर का मांस आता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? पोर्क कहते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऊँटनी में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? हाँ दोस्तों, ऊँट और ये ऊँटनी होती है दोस्तों, दो होते हैं। ऊँटनी में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है दोस्तों? हाँ दोस्तों, 280, 310 ये भैंस में होती है, 280 गाय में होते हैं, 490 या 390? हाँ दोस्तों, 390।
ये होती है ऊँटनी की। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 390 दिन यानी ऊँटनी की गर्भकाल की अवधि कितनी होती है, 390 दिन होते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रुमंथी पशुओं में स्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? हाँ दोस्तों, रुमंथी पशुओं में स्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? हाँ टॉपिक दोस्तों, हर टॉपिक में से आपके क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं दोस्तों। मोटर पेपर है 6 नंबर का, जिसके अंदर से आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों, 34, 32, 22, 40। हाँ दोस्तों, तो बताइए राइट आंसर। रुमंथी पशुओं में स्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? बकरी, भेड़, भैंस या गाय? हाँ दोस्तों 32। कितनी होती है? 32। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, हाँ बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, 32। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुर्गी में कुल दांतों की संख्या होती है? हाँ मुर्गियों में कितनी दांत पाए जाते हैं दोस्तों? मुर्गियों में कुल कितने दांत होते हैं दोस्तों? 22, 34, 32 या नहीं होते हैं? हाँ दोस्तों, मुर्गियों में कुल कितने दांतों की संख्या होती है दोस्तों? दोस्तों ये 10वीं के लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, पशु परीक्षा CET की, जो कि 10वीं पास फॉर्म भरा गए हैं दोस्तों, 17 लाख प्लस फॉर्म भरा गए हैं। हाँ दोस्तों 200 से प्लस 400 के 40 मिनट की और क्वेश्चन होंगे दोस्तों। हाँ मुर्गी में कुल दांतों की संख्या होती है, हाँ कमेंट करिए आप सभी, हाँ जल्दी करिए आप कमेंट। हाँ मुर्गियों में दांत नहीं होते दोस्तों, नहीं होते हैं, आपने कभी मुर्गियों में दांत देखा है दोस्तों? नहीं होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। देख लो आप कितना इजी क्वेश्चन आया है दोस्तों, मुर्गियों में कुल कितनी दांतों की संख्या, काफ़ी लोग होते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी गलत करके आते हैं दोस्तों। हाँ 32, मुर्गियों में कुल दांतों की संख्या क्या होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी यानी नहीं होते दोस्तों। निम्नलिखित में से राजस्थान का पशु घनत्व है? हाँ दोस्तों राजस्थान का पशु घनत्व कितना है दोस्तों? हाँ पशु घनत्व पूछा दोस्तों, हाँ राजस्थान में 170, 169, 168, 165। हाँ कमेंट करिए आप सभी। तो राइट आंसर आपका 169 हो जाएगा दोस्तों, काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था ऑप्शन नंबर बी, हाँ बी को लॉक कर दीजिएगा। हाँ काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, हाँ ऑप्शन नंबर बी काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केपरा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? गाय, भैंस, भेड़, बकरी? हाँ दोस्तों गाय। वैज्ञानिक नाम पूछा दोस्तों, केपरा हिरकस, भेड़ और बकरी, इनका अलग नाम है दोस्तों। गाय का नाम केपरा हिरकस, किस पशु का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? हाँ दोस्तों बकरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, केपरा हिरकस किस पशु का नाम है? ऑप्शन नंबर डी यानी बकरी हो जाएगी दोस्तों। हाँ भेड़ का, भेड़ से वाकई सॉरी कई बार भेड़ का भी पूछ लेता है, भैंस का भी पूछ लेता है वैज्ञानिक नाम दोस्तों, बेप्रोसिनेरिया, भैंस का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों जल्दी, हाँ कई, हाँ केपरा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम था? बकरी का है। हाँ भेड़ का तो दोस्तों अलग होगा, गाय का अलग होता है, भैंस का अलग होता है, हाँ ऊँट का अलग होगा, केमिनल हो जाएगा, हाँ तो इसका भेड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों बकरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्था ब्यूरो के अनुसार भारत में पशुओं की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है दोस्तों? हाँ राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान के आधार पर भारत में कुल कितनी प्रकार की नस्लें हैं दोस्तों? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए दोस्तों, इसको टिक कर लीजिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 218, 380, 210 या 212? हाँ दोस्तों इसको टिक कर लेना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, हाँ 212। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, हाँ 212। कितनी नस्लें हैं? 212 है हमारे पूरे भारत में दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, बहुत ही मोस्टली क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों पशु परीक्षक के लिए। विदेशी गायों में सबसे लंबा दूध काल गाय की किस नस्ल का होता है दोस्तों? हाँ विदेशी गायों में मेवाती, जर्सी, अमेरिकन या रेड डेन? हाँ दोस्तों कमेंट करिएगा आप सभी। हाँ 227, हाँ जल्दी कमेंट करिएगा, हाँ कमेंट करें, हाँ दोस्तों जल्दी कमेंट करिएगा दोस्तों आप, जर्सी की होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी को लॉक कर दीजिएगा आप, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हाँ भैंस, मेहसाणा,
हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में कुल पंजीकृत गायों की नस्लें कितनी हैं? हाँ दोस्तों, पंजीकृत गायों की नस्लें कितनी हैं दोस्तों? भारत में कुल कितनी पंजीकृत गायों की नस्लें हैं दोस्तों? हाँ ये इसको भी क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों। हाँ 40, 45, 53 या 55? हाँ कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा। हाँ जल्दी जल्दी कमेंट करें आप सभी। तो राइट आंसर 53 हो जाएगा। काफ़ी लोगों को कमेंट आ रहा था ऑप्शन नंबर सी। हाँ तो 53 राइट आंसर हो जाएगा इसका। हाँ 53। चलते हैं नेक्स्ट। किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है? हाँ दोस्तों बताइएगा, किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है? मुर्रा, महसाणा, जाफरावादी या नीली रावी? हाँ मुर्रा, महसाणा, जाफरावादी या नीली रावी। हाँ कमेंट करें दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। तो चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा नीली रावी। हाँ ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी लोगों का कमेंट आया था ऑप्शन नंबर डी। भारत में भैंसों की कुल नस्ल कितनी पंजीकृत है? हाँ कितनी नस्लें पंजीकृत है दोस्तों? भारत में भैंसों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है? हाँ 53, 37, 44, 20। हाँ आप लोगों का कमेंट आ रहा था ऑप्शन नंबर ए। हाँ ए ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट, 53। भारत में भैंसों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है दोस्तों? 53 नस्लें पंजीकृत है दोस्तों। हाँ दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिया दोस्तों इनको। हाँ आप क्लास को एक मिनट स्किप ना करें दोस्तों। हाँ हाँ दोस्तों 20, हाँ 20 मिनट की और किसान कहाँ रहने वाली है। 20 डी। हाँ हाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। भैंस के दूध का सफ़ेद रंग किस कारण होता है? केरोटीन, केसिन, एल्यूमिनियम या आयरन? हाँ भैंस के दूध का सफ़ेद रंग किस कारण होता है दोस्तों? हाँ 35 और 20, तो उसका 35 हो जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों बताइएगा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। हाँ 200 क्वेश्चन दोस्त, हाँ लाइक कर दीजिए क्वेश्चन को, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को दोस्तों। हाँ हाँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। हाँ भैंस के दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है दोस्तों? हाँ कमेंट करें जल्दी जल्दी। हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केसिन। राइट आंसर आपका केसिन हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, उस प्रेशर क्लास में दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।